कभी अंदर से कुछ गुस्सा बताओ, गुस्से वाली बात क्या है पढ़ना भाई। ये बता दो कि किया था साइकोमेट्रिक स्टार्ट कर दिया था। चलो थोड़ा सा बताया था ना, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, तो एक बार फिर बर्गर वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, वो तो हो गया था कंप्लीट। चलो मैंने आपको बताया था स्टाइक्योमेट्री है ना, स्टाइक्योमेट्री मैंने आपको बताया था, ये हमने स्टार्ट किया था। स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या होता है बताओ, क्या बताया था हमने? इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट, है ना। क्या करेंगे हम? अमाउंट कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्रिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है स्टाइक्योन और दूसरा है मेट्रोन, है ना। स्टाइक्योन का मतलब होता है कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। मतलब स्टाइक्योमेट्री के अंदर हम कंपाउंड को मेजर करेंगे, कितना हमने रिएक्टेंट लिया है, कितना हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था, हमारे सामने जो रिएक्शन होंगी, जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, देखो तीन टाइप की रिएक्शन आई हमारे सामने, केस वन, केस टू, केस थ्री, तीन टाइप की रिएक्शन होंगी, ठीक है। केस वन, हाँ, केस टू एंड केस थर्ड, तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले केस के अंदर क्या होगा, आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट गिवन रहेगा, ओनली वन रिएक्टेंट। आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट गिवन होगा और आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, या फिर प्रोडक्ट गिवन होगा रिएक्टेंट पूछ लेगा। एग्जाम्पल बाद में नोट करना, पहले आप इसको देख लो। एग्जाम्पल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं गर्म करता हूँ हीट, तो ये रिएक्शन आपने देखी होगी 9th, 10th में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाता है और CO2 गैस बन जाती है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो रिएक्टेंट कितने हैं, एक। तो इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कि भैया इतना जो है हमारा इतना है रिएक्टेंट, तो बता दो CO2 कितनी बनी, कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना। अभी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, पहले अभी तो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ क्या क्या हमें बढ़ना है। केस टू के अंदर आपको 2 रिएक्टेंट गिवन होंगे, कितने? 2 रिएक्टेंट गिवन होंगे, लेकिन उन दोनों में से एक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। वन रिएक्टेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, बाकी दूसरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या फिर जो अदर रिएक्टेंट बचेगा दूसरा रिएक्टेंट, या तो उसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको कुछ नहीं बोलेगा, या बोल देगा कि भैया दूसरा रिएक्टेंट एक्सिस में है, एक्सिस बोले तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल, सिंपल इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करता है, बताओ क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। वो बोल देगा आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो 1 मोल है, है ना, 2 मोल है, HCl एक्सिस अमाउंट में है, बताओ NaCl कितना बना, H2 कितना बना। इसको एक्सिस में दे दिया HCl को, NaOH को फिक्स कर दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा जो मैंने आपको बर्गर का एग्जांपल दिया था याद है वो, इसके अंदर आपको एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट गिवन होंगे, है ना, और दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, दोनों के बारे में, है ना।
बोथ हैव इन्फॉर्मेशन, बोथ हैव इन्फॉर्मेशन, दोनों के बारे में न्यूमेरिकल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब एग्जांपल क्या है, इसी तरीके का ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, आप ये ले लो NaOH प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस H2O। बोल देगा ये है 2 मोल और HCl है 5 मोल, बताओ NaCl कितना बना, H2O कितना बना, तो बताओ इक्वेशन बोलो क्या होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने वाली इक्वेशन बोलो CaCO3 सॉलिड, ठीक है, इसको हमने गर्म किया तो क्या गर्म करने पर क्या बनेगा, CO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो यहां हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्टेंट गिवन होगा, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। क्वेश्चन है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है, बताओ उसको गर्म करने पर कितना CO2 गैस निकलेगी और कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइक्योमेट्री के अंदर आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, है ना। जैसे बेसिक इक्वेशन है, अगर वो ना भी दे ना कि कितना CO2 कितना CO बनेगा, वो ये बोल देगा कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेंगे और कितने कितने बनेंगे, तो भी आपको पता होना चाहिए वाली इक्वेशन, ठीक। आप चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है क्या नहीं, बताओ पहले बताओ रिएक्शन बैलेंस है क्या नहीं, अगर बैलेंस है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करेंगे, क्या बैलेंस है राइट का निशान लगा दे कि बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है, अब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। बताओ कैल्शियम का, देखो बिल्कुल ऐसी स्टेप सॉल्व करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, बुक में ऐसे नहीं होता, बुक में तो अलग तरीके से होता है। कैल्शियम जिसका भी अमाउंट गिवन होगा उसके नीचे लिख लेंगे, बताओ कितना गिवन है 200 ग्राम। हमेशा याद रखना जो रिएक्शन लिखी होती है वो मोल्स में बात करती है, मतलब रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और 1 मोल CO2 गैस बन जाती है। रिएक्शन हमेशा मोल में बात करती है, आप इसे ग्राम ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 1 ग्राम, नहीं ग्राम में नहीं, किसमें बात करती है, मोल्स में, ठीक। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ग्राम दे दिया, रिएक्शन बात कर रही है मोल में, तो बताओ पहले ग्राम को मोल में नहीं चेंज कर लो, क्योंकि रिएक्शन तो मोल में चलती है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, 99% चांस है क्वेश्चन के अंदर आपको वेट ही गिवन रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है मोल, अगर वो खुद ही मोल निकाल के दे देगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना, फिर उसने पूछा क्या। तो सबसे पहला स्टेप होगा आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, क्या होगा, गिवन मास 200, मोलर मास 100, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 आएगा, कैसे आएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16, सोल्व करोगे तो 100 ग्राम पर मोल आएगा, सोल्व करके देख लेना चाहे तो, बताओ कितने मोल आया, 2 मोल्स आया कि नहीं आया, ठीक। अब मैं रिएक्शन से पूछूंगा कि रिएक्शन किस किस तरीके से हो रही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये बोलेगा कि भैया जब मेरे 1 मोल को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने बन जाते हैं, 1 मोल, और CO2 कितने बन जाते हैं, 1 मोल। तो बताओ 1 से 1 बनेगा तो 2 से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे कि नहीं बने, 1 से 1 तो 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, सिंपल, 1 से 1 मोल तो 2 मोल से कैल्शियम ऑक्साइड के कितने बन जाएंगे, 2 मोल, 1 से 1 तो 2 से कितने बनेंगे, 2 मोल, तो CO2 के भी कितने बन जाएंगे। अब वो मास पूछ रहा है, मोल नहीं पूछ रहा, अब इनका फर्दर मास निकालेंगे, मास क्या होगा, मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर मुझे मास निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल मोलर मास की मल्टीप्लाई तो करता हूँ, तो यहाँ पर 2 into CO का मोलर मास, कैल्शियम का है 40, ऑक्सीजन का है 16, तो कितना आएगा 56, तो यहाँ लिखा मैंने 56, तो कितना करा, रोचिका 12, 2 5 10 और 1 11, 112 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको देखो, 2 into CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44, तो बताओ कितना आएगा, 88 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो दोनों को जोड़ के 200 आ रहा, नहीं आ रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी फॉलो हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक। अब CO2 गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, बताओ, तो गैस का तो वॉल्यूम भी हो सकता है,
तो न्यूमेरिकल में वो गैस का मास भी पूछ सकता है और वॉल्यूम भी पूछ सकता है। मास पूछेगा तो मास निकालेंगे और वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला ये है, n इज इक्वल्स टू वी अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम निकालना हो तो किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 की, तो 2 इंटू 22.4 तो कितना आ जाएगा, 2 4 8, 2 2 4 2 2 4, 44.8 लीटर। तो यहाँ पर हमारे केस वन खत्म होता है, और केस वन सबसे आसान है, बहुत कम चांसेस जेई मेन में आ सकता है, ठीक है। तो इतना नोट करेंगे, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा, आप इसको फटाफट नोट करें। फिर केस टू, फिर केस थर्ड, ऐसे बात करेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। हो गया? अरे बता दे गो यार, शांत बैठ जाते हो। ए यहाँ रिएक्शन से ऐसे, हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट कर दूं क्या? ये बुक तुमने न्यू ली है क्या? दिखाना है कैसी है, न्यू वर्जन? दो कैसे है ये दिखाना, दोनों दिखाओ। हाँ बताओ। हाँ उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल सही पूछा। वो ऐसे भी दे सकता है, CO2 दे दे और कैल्शियम कार्बोनेट पूछ ले, उल्टा भी हो सकता है ना, कैसे भी चल सकता है सिस्टम। अच्छा ये चैप्टर वाइज है, ये सही है, ये तो चैप्टर वाइज है ना, PYQ, ये PYQ है, बढ़िया, ये तो लगाना ही है PYQ। नेक्स्ट ₹300 की है, बढ़िया। तो ये बुक ले लो आप, बहुत बढ़िया बुक है ITJEE की। सही है, नेक्स्ट कर दूं। अच्छा ये
न्यू कन्वेंशन के हिसाब से 22.7 होगा ना, है ना, 22.7। तो कितना आ जाएगा ये 4, है ना, ठीक है, ये तो आएगा 45.4 लीटर। चेक करो भाई, है ना, तो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से निकालना आंसर, ठीक है, 45.4 लीटर, ठीक है कृष्णा। चलो, इसमें उल्टी चीज भी पूछी जा सकती है, आपको प्रोडक्ट दे दे रिएक्टेंट पूछ ले, रिएक्टेंट दे दे प्रोडक्ट, कैसे भी चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ भाई चले आगे, ये वॉल्यूम निकाला है गैस का, गैस का वॉल्यूम इतना होगा, मास इतना होगा, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट कर दो, चलो अब आगे देखो, वो इसमें उल्टा भी पूछ सकता है, मतलब एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप करके दिखाएंगे इसको, है ना, आप सभी करके दिखाएंगे इसको, और क्वेश्चन है आपका एक रिएक्शन गिवन है 4HCl plus MnO2 is equals to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। और इसके अंदर आपको बोला है कि कह रहा है कि 43.5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड लिया गया है, तो पूछ रहा है कि बताओ HCl कितना लिया जाएगा, और मैग्नीज का एटॉमिक मास गिवन है क्वेश्चन में, वो है 55। पूछ रहा है बताओ HCl कितना लिया गया होगा, तो बताओ कौन सा केस आ गया ये, अब केस टू आ गया कि नहीं आ गया, दो रिएक्टेंट और इन्फॉर्मेशन कितने के बारे में गिवन है, एक टू रिएक्टेंट है, है ना, और एक के बारे में इन्फॉर्मेशन की, ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की, रिएक्शन पढ़नी आती है, एक मोल बताओ इसके एक मोल के लिए कितने मोल चाहिए, 4। तो सबसे पहले आप 43.5 ग्राम का क्या करोगे, मोल निकालोगे, फिर रिएक्शन से पूछेंगे बता रिएक्शन तुझे तू क्या चाहती है, ये बोलेगी एक के लिए 4, तो इतने के लिए कितना मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर मोल निकलते ही फिर उसको ग्राम में चेंज कर देना, वहां आंसर आ जाएगा आपका मैग्नीज का एटॉमिक मास 55। बताओ क्या आंसर है, मैग्नीज का मोलर मास 55 है, बाकी ऑक्सीजन का तो आपको पता ही होगा, क्लोरीन का 35.5 होता है, ये भी आपको जानना चाहिए, है ना, क्लोरीन का तो आपको पता होना चाहिए 35.5। तो देखते हैं कौन इसका जवाब देगा, कौन इसका आंसर करेगा, दो रिएक्टेंट है और एक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमारा केस टू है। तरीका वही फॉलो करना है जो मैंने बताया अभी, सेवेंटी थ्री ग्राम HCl का, ठीक, और बताएं कोई, सही आंसर 73 है, बाकी बताएं, बाकी मैच करें 73 आएगा क्या, नहीं, सेवेंटी थ्री ग्राम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके मोल निकालूंगा, है ना, 43.5 ग्राम के मोल निकालूंगा, पहले बताओ MnO2 का मोलर मास निकाल लो साइड में कितना है, Mn का कितना है 55 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना आया 55 प्लस 32, तो कितना आएगा ये 87। और फिर अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, गिवन मास 43.5 ग्राम और मोलर मास 87 ग्राम पर मोल,
ये तो शायद दो बार में चला जाएगा, है ना? वन अपॉन टू, वन अपॉन टू मोल लिख दूं क्या? वन अपॉन टू मोल। अब आप मुझे बताओ एक के लिए कितने चाहिए? चार। तो बताओ वन बाई टू के लिए कितने चाहिए? चार इंटू वन बाई टू, टू टू जा फोर मतलब टू मोल। लेकिन हमें मास निकालना, मोल निकालना, मास। तो आप किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? मोलर मास, टू इंटू एच सी एल का मोलर मास 36.5 आया क्या? तो कितना जाएगा? 73 ग्राम आंसर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ। ठीक है, ये कौन सा केस था? सेकंड केस था। ठीक है, एक वाला तो बहुत आसान है, वही गिवन रहेगा। केस टू में दो रहेंगे, एक के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, केस या केस वन या केस टू का। अब आप पहचानना, दो ही केस बताए मैंने, तो आप पहचानना ये कौन सा केस है। हटा दो इसको, चलो। अब ये न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ एग्जांपल। एक इक्वेशन आपको गिवन है, और इक्वेशन है 3NO2 गैस प्लस H2O लिक्विड इज इक्वल्स टू 2HNO3 एक्वस प्लस NO गैस। ये इक्वेशन मेंशन है, और वो बोल रहा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड विद एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 12.6 ग्राम HNO3। कह रहा है कि जो वाटर है ये तो लिया है हमने एक्सेस में, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है। और HNO3 अल्टीमेटली जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 12.6 ग्राम। तो पूछ रहा है बताओ NO2 को कितना लिया गया होगा, बताएं जी। देखते हैं कौन बताएगा, बताओ केस वन है केस टू है? बोलो, केस टू दो रिएक्टेंट है कि नहीं है? दो में से एक के बारे में इंफॉर्मेशन है एक्सिस ये, लेकिन इस बार प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट। अब पहले क्या था, हम फॉरवर्ड जा रहे थे, अब क्या जाएंगे? बैकवर्ड चले जाएंगे। पहले हमें आगे की तरफ जा रहे थे, अब क्या चले जाएंगे? पीछे की तरफ। बात तो सेम ही है, तो बताओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मोल्स। तो सबसे पहले तो मोल्स निकालो, चलो करो। इक्वेशन तो बैलेंस ही है, उसने खुद दे रखी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में, तो इक्वेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो कितना, हाँ ये जो पूछा है ना, इसका ये वॉल्यूम पूछा है, ध्यान रखना। क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो मास निकल सकता है तो वॉल्यूम तो आ ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने अभी बताया था गैस का मास भी पूछा जा सकता है और वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। देखते हैं कौन बताएगा इसका जवाब, कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। सेवन पॉइंट टू ml या लीटर या अच्छा और बताओ कोई।
हाँ जी बताएं। 6.81 यूनिट तो बताओ। 6.81 लड्डू हैं, रसगुल्ले हैं, क्या हैं कुछ ये तो बताओ। लड्डू 6 लड्डू किलो है, क्या है किलो में है या फिर 6 मीटर है, 6 फुट है, क्या है यूनिट में, यूनिट पूछना चाह रहा हूँ। क्या लीटर में? हाँ ठीक, और बताओ कोई, आप बताओ कितना बताया। 6.81 हाँ ही आंसर सही, लीटर में आएगा 6.81 लीटर। बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स। n इज इक्वल्स टू गिवन मास 12.6 ग्राम। बताओ HNO3 का मोलर मास कितना आया है, 63 आ रहा है, 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटा के 10 नीचे और ये 2 में चला जाएगा, तो मोल्स बराबर 0.2 मोल आएंगे, क्या 0.2 मोल। ठीक, जो एक्सिस में है उससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो अब रिएक्शन से पूछो, बताओ NO2 के बारे में क्या बता सकती है। तो रिएक्शन बोलेगी HNO3 के 2 मोल बनते हैं, कितने मोल से है, 3 से, है ना, 2 से, 2 मोल, 2 मोल कितने से बनते हैं, तो 1 कितने से बनेगा, 3/2, ऐसी तो करना है सिंपल, तो 1 कितने से बनेगा, 3/2, तो 0.2 कितने से बनेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, है ना, तो यहाँ कितना आ गया, ये कैंसिल, 0.1 मल्टीप्लाई करके कितना आया, 0.3 मोल, और मोल से हमें किसी गैस का वॉल्यूम निकालना हो तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो 22.7 लीटर की, तो बताओ कितना आएगा, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 8.61 ही आएगा क्या, 8.61 लीटर, देख लो एक बार, 6., तो फिर आपने गलत कैसे कर दिया भाई, 6.81 लीटर ये आएगा सही आंसर, अब यानी कि गलत है जिसने भी दिया है 6.81। अच्छा सही तो है, ये तो दिया था आपने, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ऑनलाइन भी ये आया आंसर कृष्णा का, तो सही है, ठीक है, तो 6.81 लीटर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, अब हो जाएंगे ये वाले, ये एक सिंपल कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। अब चलेगा हमारा केस थर्ड, हटा दो इसको, हाँ जी चलो, अब हमारा कौन सा केस चलेगा, केस थर्ड, कितने रिएक्टेंट गिवन होंगे, 2 रिएक्टेंट्स गिवन होंगे और इन्फॉर्मेशन दोनों के बारे में ही गिवन होगी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक का एग्जांपल मैंने बर्गर वाले दिया था, है ना, कि भैया 2 बर्गर और 1 बटर, इनको मिलाकर क्या बन गया, बन जाता है 1 बर्गर, 2 है बंद, बंद नहीं आते बंद ब्रेड, 2 बंद के पीस हैं, 1 बटर का पीस है, कितने बर्गर बन जाते हैं, 1। ठीक है, तो बताओ ये है, चलो बताओ ये है 20 और ये है 20, बताओ कितने बर्गर बनेंगे, पक्का, हाँ भाई कितने बनेंगे, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को, कैसे बताया आपने 10 बनेंगे, मतलब अच्छा ये बताओ इन दोनों में से क्या चीज़ कम पड़ रही है, बर्गर कम पड़ रहे हैं, बर्गर नहीं बंद, बंद कम पड़ रहे हैं, अच्छा क्या चीज़ बच जाएगी, बटर चीज़ कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर 2 बंद यूज़ होते हैं तो 1 बटर यूज़ होगा, तो 20 यूज़ होंगे, तो ये 10 यूज़ होंगे, लेकिन हैं कितने ये 20, और ये 10 यूज़ होंगे तो कितने बच जाएंगे, 10, और ये 20 ख़त्म, और आप ये देखो ना कम कौन सी चीज़ है, जो बंद है वो कम है, ठीक, तो ये बर्गर कितने बन जाएंगे, 10, ऐसी तो बन जाएंगे। अब मैं इसका उल्टा सवाल पूछता हूँ, अब अगर मैं पूछता हूँ कि तो
तो अब आप बताओ, अगर ये लिए हैं हमने 15, नहीं ये लिए हमने 16 और ये लिए हैं 10, बताओ कितने बनेंगे? देख लो, अब बर्गर बनाना सीख लो, जरूरत पड़ सकती है। बताओ ये कैसे बताया भाई, बताओ बताओ, मतलब क्या इन दोनों में क्या चीज़ कम है? बंद कम है या बटर कम है? बंद कम है। ऊपर वाली केस में भी क्या कम थे, है ना? तो आप इस केस में क्या कितने बन जाएंगे? 8। 16 के लिए कितने चाहिए? 8। तो ये 2 बच जाएंगे और ये 16 के 16 पूरे खत्म। ठीक है, अब बताते रहना, एक केस और पूछूंगा अभी मैं। ये है हमारे 10 और ये है हमारे 4, बताओ कितने बनेंगे? 2। ये बर्गर बनाने बस, कितने बनेंगे? अरुंधति 4 ही बनेंगे। इस बार क्या चीज़ कम है? बटर कम है ना, ये 4 खत्म हो जाएंगे, 4 दूनी 8, ये 8 लग जाएंगे और कितने बचेंगे? 2, और 4 क्या बन जाएंगे? बर्गर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने ऊपर वाले में 10 बर्गर बनाए, तो किसको देखकर बनाए हैं? बंद को देखकर बनाए हैं या बटर को देखकर बनाए हैं? जो चीज़ कम है ना, कम पे ध्यान जा रहा है हमारा। यहाँ ये कम था तो देखो आपने इसके हिसाब से बनाए हैं बंद बर्गर। दूसरे वाले एग्जाम्पल में बताओ, आपने ये 8 किसको देख कर बनाया है? बंद को देख कर, क्योंकि वो कम है ना, कम जो चीज़ होती है उसके हिसाब से बनती है जो चीज़ बनेगी। यहाँ पर आ गया, इस बार बटर कम है तो देखो 4, ये देखो आप देखो ना, एक बटर लगता है तो एक बर्गर बन जाता है, तो 4 बटर लगे तो 4 बर्गर बन जाएंगे, क्योंकि वो तो ज़्यादा पड़े हैं, उन पे तो ध्यान ही नहीं देना हमें, हमें किस पे ध्यान देना है? कम वाले पे। तो कम वाले के हिसाब से, यहाँ कम वाले के हिसाब से बने, क्यों? क्योंकि यहाँ ये क्या था? कम। यहाँ पर ये क्या था? कम। यानी कि हमें एक यूनिवर्सल लॉ पता चला कि जब भी दुनिया के अंदर दो चीज़ मिलने से एक चीज़ बनेगी, तो उन दोनों में से जो कम होगी उसके हिसाब से वो बन के तैयार होगी, है ना? क्लियर है? तो केमिस्ट्री लैंग्वेज में जो चीज़ कम होगी, केमिस्ट्री लैंग्वेज में उसको मैं अब बोल, अच्छा यही चीज़ रिएक्शन में वैलिड है, केमिकल रिएक्शन में भी यही चीज़ है। दो रिएक्टेंट के अंदर जो कम होगा वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे यहाँ बर्गर और बटर में, बंद और बटर में जो कम है हर बार वही डिसाइड कर रहा है बर्गर कितने बनेंगे। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में होगा, जो इन दोनों में कम होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। तो आपका, अब आपका काम ये होगा, क्योंकि तो इस वाले केस में दोनों रिएक्टेंट रहेंगे, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, यहाँ तो आप देख तो तुरंत बता पा रहे हो कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। केमिकल रिएक्टेंट के अंदर भी आपको, जैसे आपने यहाँ पहचान रहे हो कि बंद कम है या बटर कम है, ऐसी वहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा दो रिएक्टेंट में कौन सा कम है, उसको छांट के लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया का रूल जानता हूँ कि जो कम होता है उसके हिसाब से बनती हैं चीज़ें, इसलिए दोनों में से कम को छांटना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ छाट रहे हो, मैंने कुछ बताया नहीं आपको, आपने अपना आप ही बताया, देखो मैं कुछ ना तुम आपको कुछ समझाया, है ना? क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें, बेसिक कैलकुलेशन है। एक ठेले वाला जो बंद बनाने का काम करता है वो ही बता देगा इस चीज़ को, ये बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं लगी भी मैथ। यही कॉन्सेप्ट उठा के केमिस्ट्री में लगाना है, दोनों में से जो कम होगा वो छांटना है। ठीक, तो जो कम है उसको मैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या बोलूंगा कि ये लिमिट में है, लिमिट बोले तो कम, तो उसको बोलूंगा लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाएगा वो ज्यादा है तो उसको बोलूंगा मैं एक्सिस रिएजेंट। ठीक है, यहां बात बंद और बटर में चल रही है, वहां बात मोल में चलेगी, वहां आपको दो रिएक्टेंट ध्यान से देखने पड़ेंगे। जैसे यहां रिएक्शन क्या है, देखो यहां रिएक्शन क्या है, दो बर्गर एक, दो बंद एक बटर इज इक्वल्स टू एक बर्गर। देखो ये भी एक इक्वेशन ही है, दो बर्गर प्लस एक बटर इज इक्वल्स टू एक बर्गर। तो अगर मैंने बटर और बर्गर को हटा के N2 हाइड्रोजन लिख दूं, कितनी बड़ी बात कहाँ है, सेम कैलकुलेशन होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये चीज केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहा हूं, N2
प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3। सेम चीज है, बिल्कुल घबराना मत। एक मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, तो अमोनिया कितने मोल बन जाती है? अब पूछूं मैं आपसे, मैं पहले लिख देता हूं, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, अमोनिया कितनी बनती है? 2। ये भी 10, ये भी 10, बताओ अमोनिया कितने मोल बनेगी? आपने बोला है सर हम बता देंगे, बर्गर की तरह। दोनों 10 10, आपने बोला था भैया, मैंने तो उसी के हिसाब से लिख दिया। कहो तो बर्गर वाला एग्जांपल फिर खोल दो पीछे, कैसे कैलकुलेशन की थी। अब सोचो बर्गर की आपने कैसे कैलकुलेशन करी, हैं? हाँ, पॉइंट में बन सकते, कोई दिक्कत नहीं, 6 पॉइंट समथिंग। ओके, फ्रैक्शन में बता दो, अपॉन में बता दो कितने आ रहे। तीन बनेंगे, 3 मोल अमोनिया। देखो यार, ऑनलाइन आंसर आ रहा है 20 मोल, 10 मोल। भैया 20 10 कहाँ से आ गया यहाँ से? देखो हो गया नहीं, अभी देखो, अभी मैं बर्गर का एग्जांपल लिखूंगा तुरंत बता दोगे। क्यों? क्योंकि बर्गर हम खाते हैं, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन का खाते हैं हम, इसलिए नहीं बता पा रहे तुम इसको। 6.33। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको करने की। बर्गर वाला हमने कर लिया था, हाँ जी, बर्गर क्या बता रहा था, 2 बन 1 बटर 1 बर्गर। ये क्या कह रहा है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया। ठीक, 1 के लिए कितने यूज होते हैं? 3। तो 10 के लिए कितने यूज होंगे? 30। लेकिन है कितने यहां, पता चल गया ना क्या चीज काम है? बताओ क्या काम है, पता चल गया? एक मिनट नहीं लगी पता करने, एक मिनट नहीं लगी पता चलेगा तुरंत क्या चीज कम है, हाइड्रोजन। तो मुझे पता है हाइड्रोजन क्या है, कम। बोले तो ये क्या हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो बताओ अमोनिया किसके हिसाब से बनेगा, H2K या N2K? जो चीज कम होती है, अभी प्रूव कराया मैंने कि जो चीज कम होती है प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनता है। अब इन दोनों की दोस्ती देखो, इन दोनों की दोस्ती क्या है, इन दोनों की दोस्ती है इसके 3 मोल खर्च होते हैं तो कितने बन जाते हैं? 2। इसका 1 खर्च होगा तो कितने बन जाएंगे? 2/3। और 10 खर्च होंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितने बन जाएंगे? 20/3 मोल। यानी कि जिसने भी 6 पॉइंट समथिंग बताया था उसका ठीक था, है ना? इन जगह 18 2 6.67 मोल आ जाएगा। ठीक है, फिर दूं ऐसा एक करके दिखाओगे? अभी आपने बता नहीं पाए इसको, सब नहीं बता पाए। SO2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू SO3, 2SO2, 2SO3। और जी भैया रहने के ये 20 मोल, ये 20 मोल, बताओ ये कितना बनेगा? बताओ, बर्गर खाने बस आज, और कुछ नहीं करना। जिसने जितने ज़्यादा बर्गर खाए वो सोल्व कर देगा, जिसने कम बर्गर खाए होंगे वो नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं कौन खाता है बर्गर। ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो नहीं पूछ रहा मैं, तो बता क्यों नहीं पा रहे अरुंधति? बताओ 20 बन जाएंगे, फिक्स कर दो। चलो पहले पूछ लेते हैं रिएक्शन क्या कहती है। 2 के लिए कितने चाहिए? 1। तो 20 के लिए कितने चाहिए? 10। तो ये बच जाएंगे, तो जो बच जाएंगे वो एक्सिस है, तो जो इसका मतलब ये क्या हुआ, कम। कम बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है? तो बताओ 2 से 2 बनेंगे, 1 से 1 बनेगा, तो 20 से क्या बन जाएंगे? 20। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो यानी कि अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको इतनी देर में क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी दो चीज़ के मिलने से एक चीज़ या दो चीज़ बनेंगी और दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो बनने वाली चीज़ इन दोनों में से किस पे डिपेंड करेगी? जो कम होगी। कम को केमिस्ट्री में क्या नाम दिया गया है?
लिमिटिंग रिएजेंट, उस लिमिटिंग रिएजेंट को आप निकाल पा रहे हो? क्यों ना एक ऐसा तरीका निकाल लिया जाए कि सोचने का ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हम बैठ के सोचेंगे थोड़ी ना वहाँ पर, ये तो मैंने आपको फील करा दिया। अब एक तरीका निकाल लेते हैं जो एक सेकंड के अंदर आपको ये बता दे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो चलो चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के एक छोटे से तरीके पे। आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरीके से रिएक्शन लिखोगे, आप एक लिमिटिंग रिएजेंट के लिए बॉक्स बनाना है एक छोटा सा, और बॉक्स बना के देखो क्या करना है। बताओ इसके कितने मोल गिवन है? 10। कोफिशिएंट कितना है? 1। इसके कितने मोल है? 10। कोफिशिएंट कितना है? 3। दोनों को सोल्व करो, 10 बटे 1 कितना आएगा? 10, और 10 बटे 3 कितना आएगा? 3.33। इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू कौन सी और कम वैल्यू कौन सी है? 10 ज़्यादा है और 3.3, तो जिसके लिए ये कम वैल्यू आएगी वही में हमारा क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या करें क्या नहीं करें। अब बताओ इसमें फटाफट, अब इसमें सोचने की जरूरत है नहीं, 20/2 बॉक्स बना के करना, हमेशा ध्यान रखना, वरना आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, इसलिए बॉक्स बनवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बॉक्स आपको सिर्फ LR बता के देगा, LR कौन है? 20/1, ये कितना आया? 10, ये कितना आया? 20, ये ज़्यादा है कम वैल्यू कौन है? 10। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? SO2, 2 से 2, तो 1 से 1, तो 20 से कितने बनेंगे? 20 का सिंपल, बहुत सिंपल हो गया हमारा काम, ठीक है। अब इस पर अच्छा पहले नोट करो, फिर कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, यहीं से तो नोट करोगे, ये कर लेना, बर्गर वाला एग्जांपल जरूर नोट करना, क्योंकि जब आप भूल जाओगे ना तो सिर्फ बर्गर याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। ये आज से 5 महीने बाद जब आप इसको रिवाइज करोगे तो बर्गर ही याद रहेंगे, बस मैंने क्या पढ़ाया था वो सब भूल जाओगे आप। ये बर्गर जरूर नोट करें और बर्गर खाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया।
अच्छा हो गया पूरा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब पूरा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका N2 प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3। उसने दे दिया कि 10 ग्राम नाइट्रोजन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है, बताओ कितनी अमोनिया बनेगी। ट्राई करेंगे, करो। देखो ग्राम दिया है, मोल नहीं दिया है, ध्यान से सोल्व करना। क्या मास अमोनिया का 23.8 और बताओ कोई। यार तीन आंसर आ गए, ऑनलाइन अलग आ रहा है आंसर, ये अलग बता रही, तुम अलग बता रही, ऐसे कैसे हो गया ना भाई, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया भाई। हाँ जी बताओ। हाँ जी क्या कहते हो। पहला मोल निकालूंगा इसके, 12 point something, तुम्हारा 12.1 आ रहा है इसमें। गिवन मास 10, मोलर मास कितना है 28, इसके मोल निकालो। गिवन मास 13, 10 मोलर मास H2 का कितना आएगा, कितना रखेंगे 2, 3 2 या 6 मत रख देना, वो तो स्टोइकोमेट्री उससे कोई मतलब नहीं है। ये कितना आ जाएगा 5 मोल आ गया। अभी मुझे नहीं पता दोनों में कौन लिमिटिंग एजेंट है, बॉक्स बना के लिमिटिंग एजेंट निकाल लूँ, तो 10/28/1 और ये कितना आ जाएगा 5/3, दोनों में से कौन सी वैल्यू कम आएगी डिवाइड करके बताओ। इसको मैंने 28 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 28 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे की वैल्यू सेम हो गई, ऊपर की वैल्यू कितनी है 30 और नीचे की वैल्यू कितनी है 30 से ज़्यादा आएगी, तो ये नंबर ज़्यादा है ये कम, तो लिमिटिंग रेजेंट ही आया कि नहीं आया नाइट्रोजन, तो इसके हिसाब से बनेगा अमोनिया। और नाइट्रोजन क्या कहता है, अगर इसका एक मोल तो कितने बनते हैं 2, तो इसके 10/8 तो इसके कितने बनेंगे 10/28 × 2, तो कितना आ जाएंगे 2 × 2 = 4, 10/14 मोल। और मास निकालना है 10/14, अमोनिया कितना होता है 17 ग्राम,
है ना, बस इसको सोल्व कर लो, 170 अपॉन 14 ग्राम ये आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व डिवाइड कर लो कितना आ रहा है। हाँ जी जी आ रहा है 8 पॉइंट, इसको 12.14 है ग्राम अप्रोक्सीमेट, ठीक है हो जाएगा, नोट कर रहे हो, हटा दो उसको, तो अब पता चल रहा कैसे अब करना है इसको। वो इसमें ये भी पूछ सकता है कि जो चीज़ बची है रिएक्टेंट में से वो कितना बची है, तो आप ये और बता दो हाइड्रोजन कितना बचेगा, एक्सिस एजेंट क्या है इसमें हाइड्रोजन, तो आप मेरा सवाल ये कि ये और बता दो हाइड्रोजन कितना बचा ग्राम में, बताओ 10 ग्राम लेके चले थे बचा कितना ये बताना अब आप। ये कितना बचा हाइड्रोजन, तो ये क्या कहता है एक के लिए कितना यूज होगा 3, तो 10/20 के लिए कितना हो यूज होगा, इसका 3 गुना है कितना 5 और इसका 3 गुना 3 × 10/28 इतना यूज, तो ये जो चीज़ बची भी आएगी कि नहीं आएगी, बची हुई चीज़ आ गई नहीं आ गई, बस एलसीएम निकाल लो, 5 × 8 = 40, 5 × 2 = 10 और 2 = 12 -30 तो कितना आ गया ये भैया 90/28 मोल, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन के मोलर मास 2 की, तो ये आ जाएगा हमारा ग्राम, ठीक है। तो करो उसको सॉल्व, कितना आएगा 2 × 2 = 8 है ना, ये आ जाएगा 45, ये 7 है ना, 7 × 6 = 42 6 पॉइंट, देखो 10 लेके चले थे बचा कितना 6 पॉइंट समथिंग, 7 × 6 = 42 3 बचे है ना, 7 × 28 6.4 ग्राम के समथिंग हाइड्रोजन बच जाएगी, ठीक है। तो वो बचा हुआ भी पूछ सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट भी पूछ सकता है क्या है, और ये भी पूछ सकता है प्रोडक्ट कितना बना है, कितना बना है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट बना है कितना बना है दूसरा क्वेश्चन, जो एक्सिस रिएजेंट है कितना बचा है तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब मोल आ गए, तो अब मैंने मास निकाला तो वहाँ मैं वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि गैस का तो वॉल्यूम भी पूछ सकता है और मास भी पूछ सकता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, 22.7 की मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मोल में तो वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाएंगे, ये तो मैंने आपको असिस्ट कर दिया है, लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से दिखाएंगे। एक रिएक्शन दी है CH4 कंबशन की रिएक्शन है O2 और बना है CO2 + 2H2। हमेशा याद रखना जब भी कंबशन की रिएक्शन दे, कंबशन समझते हो किसी को एयर की प्रेजेंस में जलाना, तो बस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे और हमेशा CO2 और वाटर बनाना है। वो रिएक्शन देता भी ना ये बोल देता कि मीथेन का कंबशन कराया जा रहा है, तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि CH4 + O2 = CO2 और वाटर, और बैलेंस तो कर ही लेंगे, बैलेंस की इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों का मास ये भी 0.64 kg लिया गया है, ये भी 0.64 kg लिया गया है, तो पूछ रहा है कि बताओ H2O का कितना मास बनेगा, वाटर कितना बन रहा है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मीथेन कितनी बचेगी, मीथेन लेफ्ट कितनी बच जाएगी मास, मीथेन लेफ्ट इसका मतलब एक्सिस रिएजेंट मीथेन है, ये पता चल गया हमें।
अच्छा, और वाटर का वेट कितना आ रहा है जी? अच्छा ठीक, सही है। देखो ग्राम में मास लोगे तो मोल निकलेगा, किलोग्राम में लोगे तो किलो मोल निकलेगा। ग्राम से मोल निकलता है, किलोग्राम से किलो मोल निकलता है, वैसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ ग्राम से भी कर सकते हैं, किलोग्राम से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 360 ग्राम, ठीक है आंसर। आपने किलो में बता दिया, इन्होंने ग्राम में बता दिया, तो आप ग्राम में चेंज में कर लो, अच्छी बात है, क्योंकि आपने ग्राम में की हुई है प्रैक्टिस, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। गैस का वॉल्यूम निकालते वक्त हमेशा 22.7 की मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना, क्योंकि वो न्यू स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 22.7 वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या देखेंगे, 22.4 वाला कर रख चेक कर लें, लेकिन पहले क्या रखेंगे, 22.7। तो पहले मैं इनको ग्राम में चेंज कर लूँ भाई, ग्राम में कितना आएगा ये 640 ग्राम, ये कितना आएगा 640 ग्राम। मोल्स निकाले, गिवन मास कितना है 640, मोलर मास कितना है 60, इसके मोल निकालो, गिवन मास 640, मोलर मास 32, बोलो कितने मोल आए, 40 मोल, ये कितना है 20 मोल। अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, अभी मैं LR निकालूंगा, लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग एजेंट निकालने के तरीका बताया, 40 अपॉन 1 20 अपॉन 2, ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 10, 40 ज़्यादा है 10 कम है, 10 वाला क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो कम होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट बताओ क्या बता रहा है, कि एक दो मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, तो बताओ 20 से कितना बनेगा 20 मोल वाटर मल्टीप्लाई बाय 18, 18 दूनी 36, और 36 ग्राम तो हमारा क्या बन जाएगा वाटर। क्या चीज़ बची रह जाएगी, मीथेन। कितनी बचेगी चेक कर लेते हैं, दो दो के लिए कितनी चाहिए एक, एक के लिए कितनी चाहिए हाफ, तो 20 के लिए कितनी चाहिए 20 अपॉन हाफ, तो कितने 10, तो इसके 10 खर्च हो जाएंगे, 40 थे कितने बचे 30 मोल बचे। मास बताना है, मल्टीप्लाई बाय 16 दिया 48, 480 ग्राम बच जाएगी मीथेन, 640 लेके चले थे 480 बच जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? हाँ भाई, क्योंकि वाटर का मोलर मास 18 होता है, तुम्हारे आ रहा है समझ में? बताओ जी क्लियर है कि नहीं? हो गया, तो अब कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और है आया अभी, क्वेश्चन कह रहा है 4 मोल्स नाइट्रोजन के लिए गए हैं, ठीक है, एंड 14 मोल्स हाइड्रोजन के लिए गए हैं, और दोनों को मिला के अमोनिया गैस बना दी गई है। रिएक्शन तो लिख सकते हो, कह रहा है कि टोटल मोल्स कितने बचेंगे रिएक्शन के बाद, रिएक्शन होने के बाद टोटल मोल्स कितने होंगे आफ्टर रिएक्शन।
ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 10। कल इस चैप्टर का लास्ट दिन है, ठीक है, कल के बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। चैप्टर तो अभी भी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ही है, बस एक चीज़ और बची है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला, बस चैप्टर ख़त्म, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। टोटल कितना आराम सर, बताओ क्या आ रहा है? ए ऑप्शन 8। क्वेश्चन ध्यान से पूछो, क्या पूछा है, ये ध्यान देना क्या पूछा है, ये भी ध्यान होना चाहिए, पूछा क्या है। कितना आएगा? 8। चलो करके देख लेते हैं, रिएक्शन तो पता है इसकी, तो बताओ N2RH2 की रिएक्शन क्या होगी, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3। बैलेंस इक्वेशन रखेंगे, बताओ नाइट्रोजन की नाइट्रोजन के कितने मोल है, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, पहले दोनों में LR निकालेंगे, लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग एजेंट निकालने के लिए बता रखा मैंने 4/1 14/3, कौन सी वैल्यू कम आएगी, 14/3 कम आएगी ना, ये ज़्यादा आएगी, कौन सी, 4 ज़्यादा है ये ज़्यादा है, ये तो 4 आ गया, ये कितना आएगा, 3×12 3×15 4 point something आएगा, तो ये ज़्यादा आएगी नहीं आएगी, तो लिमिटिंग रेजेंट क्या हुआ, तो इसके हिसाब से बनेगा 1 से 2 बन रहा है, तो 4 से कितने बन जाएगी अमोनिया, 8 मोल, ठीक है। इसमें अमोनिया का पूछा है या टोटल मोल पूछा है, अमोनिया का तो नहीं पूछा इनने, इसका मतलब अमोनिया प्लस जो बची हुई होगी, बची हुई क्या है, नाइट्रोजन का तो काम ख़त्म, हाइड्रोजन बची हुई होगी, कितनी बची हुई होगी वो मैंने अभी आपको सिखाया, 1 के लिए कितने लग जाती है, 3, तो बताओ 4 के लिए कितनी लग जाएगी, 12, तो कितनी मोल बच जाएगी, ये तो LR की कैलकुलेशन, इसे छोड़ दो, कितनी मोल बच जाएगी, 2 मोल, तो 8 मोल तो अमोनिया बचेगी और 2 मोल हाइड्रोजन बचेगी, बताओ टोटल कितनी गैस बचेगी, 10 मोल, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, तो 10 मोल आएगा इसमें, इसमें अमोनिया का टिक नहीं करना है, इसमें टोटल टिक करना है, ठीक है, हो जाएगा ये। तो कल हम इसमें डाउट सेशन करेंगे, है ना, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर तो पूरा हो गया, तो एक दो क्वेश्चन और कर लो, एक टॉपिक रह रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसे कल ही पढ़ा दूंगा, है ना, इसको ये थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दूँ, ये तो हलवा हलवा से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा अच्छा सा दूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ml लिया गया है ऑफ 0.2 mHCl का एंड मिक्स कर दिया गया है किसके साथ, 50 ml ऑफ 0.1 mNaOH के साथ, ठीक है, तो पूछा है इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नेचर क्या होगी, नेचर समझ रहे हो, एसिडिक होगी क्या, बेसिक होगी,
एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी, ये बताना है। चलो हैं, मोलैरिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी। रिएक्शन तो लिख सकते हो इसके बीच की, बेसिक इक्वेशन है। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, जो चीज़ दी है उसको लिख लेंगे, क्योंकि थोड़ा मैंने ठीक सा क्वेश्चन दे दिया। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आपका जवाब। चलो देख लेते कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा मैं, तो इक्वेशन लिखूंगा, बताओ HCl और NaOH पे, सिंपल सी इक्वेशन 9-10 में पढ़ते होंगे, है ना, तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। HCl के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इन दोनों की मदद से मोल्स निकाल सकता हूँ, मोलैरिटी पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी मेंशन है, 0.2 m, वॉल्यूम कितना मेंशन है, 50। अब देखो वॉल्यूम अगर आप ml में रखोगे तो मिली मोल्स आएगा, लीटर में रखोगे तो मोल्स आएगा, तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, ml में ही रहने दो, बाद में कन्वर्ट कर लेना वो अपना आप, क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन में मोल्स में ही करनी है ना, इतनी बड़ी टेंशन नहीं। ml में रखोगे तो मिली, ठीक, लीटर में रखोगे तो मोल्स, अब ml में रख रहा हूँ तो मिली मोल्स आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, तो मिली मोल्स में करना कैलकुलेशन, मोल्स मत लिखना कहीं, मिली मोल्स लिखा जाएगा। तो बताओ 52 जा कितना जाएगा, 100, 10 आ जाएगा ये 10, अब देखो मिली मोल्स लिखा जाएगा, मोल्स मत लिख देना गलत हो जाएगा, या फिर तरीका क्या है, या तो ml को लीटर में चेंज करो तो फिर मोल आएगा, है ना। NaOH के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है,
इसके भी निकालो कितनी मोलैरिटी है, 0.150 मिली ml है तो मिलीमोल्स आ जाएंगे, इसके भी कितने आएंगे, 5 मिलीमोल्स। भैया LR निकालने में कोई दिक्कत, आराम से 10/1 5/1, देखो ब्रैकेट इसलिए बनाता हूँ ताकि आप ये वाली वैल्यू यहाँ ना पुट कर दो, वो अलग ही रहता है फिर। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा, 10 ज़्यादा है 5 कम है, तो हमारा NaOH क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट, इसके हिसाब से ही बनेगा हमारा NaCl2। ये तो नहीं बताना, बताओ क्या चीज़ बच जाएगी, HCl बच रहा है तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक खत्म, ये एक्सिस रिएजेंट है कि नहीं है, तो बताओ सोल्यूशन क्या होगा हमारा, एसिडिक, क्योंकि एसिड बच जाएगा सोल्यूशन में। और NaCl सोल्ट होता है, सोल्ट की कोई नेचर नहीं होती, वाटर वाटर न्यूट्रल होता है उसकी भी कोई नेचर नहीं होती, HCl बचेगा जो क्या होता है एसिड, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है, चलो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब छोटा सा टॉपिक है, अब कल हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, बताओ डेंसिटी तो जानते ही होंगे आप, बताने वाली बात ही नहीं है, डेंसिटी क्या होती है बताओ, क्या होती है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन, ये होता है ना, यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब ये है तो कितनी भीड़ है, बस हिंदी में अगर बात हो कितनी भीड़ है ना, इस डेंसिटी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करती है। अगर आप जितने यहाँ बैठे हो आप उठकर सारे ग्राउंड में चले जाएं तो आप कहोगे कि डेंसिटी कम हो गई, स्पेस बढ़ गया ना, यहाँ रूम में हो आप तो डेंसिटी यहाँ आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये तो होती है डेंसिटी। अब आप मुझे बताओ PV इज इक्वल्स टू NRT आपने पढ़ा है क्या, बताओ किसके लिए वैल्यूड होता है, गैस के लिए है ना। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, PV इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास RT है ना, इसको मैं वेट ही लिख देता हूँ है ना, मास, वरना MM, यहाँ मोलर मास M है यहाँ पे मास है, तो दोनों को WW मास हो जाएंगे। तो मुझे बताओ क्या PM इज इक्वल्स टू W/VRT लिख सकता हूँ, नहीं लग सकता हूँ, वी इधर ले गया और एम इधर ले गया, तो बताओ W/V डेंसिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा PM इज इक्वल्स टू DRT। तो ये वाली इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू NRT ये डेंसिटी में आ गई अब, या फिर आप यहाँ से डेंसिटी क्या लिख दे सकते हैं PM अपॉन RT। तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी का फॉर्मूला गैस के लिए, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा PM अपॉन RT। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी, आइडियल गैस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, PV इज इक्वल्स टू NRT, PM इज इक्वल्स टू DRT। यहाँ पर M क्या है मोलर मास, P क्या है प्रेशर, D क्या है डेंसिटी, R क्या है कॉन्स्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, ठीक है, रुक जाओ एक साथ नोट कर लेना। अब मैंने आपको डेंसिटी इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद एक अच्छा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, ये बताना था आपको रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होता है। पहले बता दो रिलेटिव डेंसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, गिवन सब्सटेंस जो होगा उसकी डेंसिटी हम ऊपर रखेंगे। अच्छा रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, रिलेटिव का मतलब ये तो है, तो जिसकी भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे उसकी डेंसिटी ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे डेंसिटी ऑफ रिफरेंस सब्सटेंस, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक। और रिलेटिव डेंसिटी दो के लिए डिफाइन होती है, एक डिफाइन होती है लिक्विड के लिए, लिक्विड और गैस के लिए अलग होती है, सॉरी लिक्विड और सॉलिड के लिए रिलेटिव डेंसिटी को अलग डिफाइन करते हैं और गैस के लिए अलग डिफाइन करते हैं, ठीक। अगर मैं लिक्विड सॉलिड की बात करूं तो जो यहां पर रेफरेंस सब्सटेंस लिखा है, क्या लिखा है रेफरेंस सब्सटेंस, ये आप मानोगे वाटर H2O, और H2O की डेंसिटी आप कितनी होती है 1 ग्राम पर मोल, और अगर गैस आपको दी है उसके लिए आप रेफरेंस सब्सटेंस मान के चलोगे हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है।
तो बताओ अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखने लग जाऊं लिक्विड और गैस के लिए, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखने लग जाऊं, तो आप क्या लिखोगे? गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी, है ना, गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी, और नीचे क्या लिखोगे? किसकी डेंसिटी? वाटर ऑफ वाटर की डेंसिटी। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? जनरली 1 ही होती है। और हमेशा याद रखना लिक्विड सॉलिड की जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सुना है कहीं नाम? है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरीके से रिलेटिव डेंसिटी होती है, उसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन में आ जाएगा तो घबराना मत, यही होती है। ठीक है, अब आ जाओ जी इसके ऊपर। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, तो आप क्या बताओगे? डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यही तो आएगा फॉर्मूला। और अभी मैंने डेंसिटी ऑफ फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था? पीएम अपॉन आरटी, याद है कि नहीं? तो इसी को यहीं 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 पर करो। पीएम जिस गैस की डेंसिटी उस गैस का मोलर मास अपॉन आरटी, पीएम जिस गैस की डेंसिटी उस गैस का मोलर मास अपॉन आरटी। प्रेशर प्रेशर दोनों गैस का सेम ही होगा, आरटी आरटी दोनों गैस का सेम ही होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या है? मोलर मास ऑफ गैस। और हाइड्रोजन का मोलर मास ईमानदारी से बताओ क्या आता है? 2 आता है कि नहीं आता है? और इसको रिलेटिव डेंसिटी गैस की, इसको जानते हैं वेपर डेंसिटी के नाम से। सुना है वेपर डेंसिटी? सुना है? यहां से फॉर्मूला हो गया वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। ये फॉर्मूला आ गया एनसीईआरटी में, ये दिया है जो बस मैंने बताया है, ये दिया है बस एनसीईआरटी में। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी पीछे की एनसीईआरटी में, तो यहां से शुरू है, बस यही दिया और कुछ नहीं दिया कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2। मैंने आपको प्रूव कर दिया वेपर डेंसिटी कहां से आई, क्या लॉजिक। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। हाँ, यहां से नोट करो। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, पीएम इज इक्वल्स डी इज इक्वल्स टू पीएम अपॉन आरटी। चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया, ठीक है, कल मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जो आप नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है तो उसमें ना आपको मोलिकुलर मास नहीं दिया होगा, वेपर डेंसिटी गिवन होगी। तो आप मोलिकुलर मास वेपर डेंसिटी की हेल्प से निकालोगे क्योंकि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलिकुलर मास बाय 2। नीचे कर दो, एक ही पेज में आ गया। तो गैस की रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है वेपर डेंसिटी और लिक्विड और सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ज़्यादातर स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप फिजिक्स में यूज़ करेंगे, यहाँ बहुत कम होगा, आपको इक्का दुक्का मिल जाए। यहाँ ज़्यादा क्या यूज़ होगी? वेपर डेंसिटी, वो भी चैप्टर 1 के अंदर।
यूज कहाँ होगा, घुमा फिरा के वो अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर गैस का वेट ना देके आपको वेपर डेंसिटी दे देगा, फंसा देगा आप। अगर आपकी ये वाला फॉर्मूला याद हुआ तो आप गैस का मोलर मास निकाल लोगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। तो ये फॉर्मूला वहाँ काम करेगा जब आपको न्यूमेरिकल्स में वेपर डेंसिटी गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए वेपर डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। चैप्टर खत्म हो गया, बस एक टॉपिक बचा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, बस ये टॉपिक करा के फिर मैं इस चैप्टर की कल प्रैक्टिस कराऊंगा जम के, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बैठकर, और फिर नेक्स्ट दिन उसे नया चैप्टर शुरू कर देंगे। डीपीपी मैंने भेज दिया, वो डीपीपी आप लगाते रहो। ठीक है, कितनी भेजिए, 11 भेजिए कम से कम, और एक में 30 क्वेश्चन है मिनिमम। ठीक है, उस डीपीपी में से इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बीच बीच में इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो छोड़ देना, वो हम तब करेंगे जब हम रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। तो जो रिडॉक्स इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन हैं उन पर सर्कल बना के छोड़ देना, बाकी नंबर ऑफ मोल्स वाले, नंबर ऑफ एटम्स वाले, है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स वाले, वो सारे कर देना। ठीक है, चलो।